नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान में केवल तहमत बाजारी नहीं लुढ़क रहे हैं बल्कि अव्य संगठन भी वायरस का शिकार बन रहे हैं जिन्होंने कई बार भारत को जख्म दिए हैं। ये वही संगठन है जिन्हें पाक आर्मी और पाक सरकार का पूर्ण संरक्षण मिलता है। इन संगठनों के भीतर जिस तरह कोरोना फैला है उससे पाकिस्तान में हड़कंप की स्थिति है। इस वक्त पाकिस्तान में 24 से अधिक आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जिनमें 18,000 से ज्यादा टोपीबाज तैयार किए जा रहे हैं। इन संगठनों के 9 प्रमुखों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़ी बात यह है कि इनमें हाफिज सईद का भी नाम है। जिन 9 लोगों को संक्रमित बताया गया है वह यूएन के 14 वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल है। पर मजे की बात यह है कि केवल सईद को छोड़कर कोई भी क्वारंटीन नहीं किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि इन्होंने खुद क्वारंटीन होने से इनकार कर दिया है। इनका तर्क है कि वे ईमान वाले हैं और अल्लाह ने उन्हें जिहाद के लिए बचाकर रखा है, इसलिए अल्लाह ताला उनकी जिंदगी की खिड़की पर ताला नहीं लगने देगा। पाकिस्तान के लिए फिक्र की बात यही है कि अगर इन जमूरों की यही हठधर्मिता बनी रही तो इनके संपर्क में आने वाले अनेक टोपीबाज मुल्ला मौलवी भी कोरोना के संवाहक बन जाएंगे। इन लोगों से सैकड़ों की तादाद में टोपीबाज मिलने आते हैं। खास बात यह है कि ऐसे मुलाकातों की जानकारी गोपनीय रहती है जिसे सरकार को भी कभी नहीं बताते हैं। अगर इन प्रमुखों ने प्रशासन का सहयोग नहीं किया तो यह संक्रमण आतंकियों से होता हुआ सेना को भी अपनी चपेट में ले लेगा। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान और पीओके की नीलम घाटी में बने प्रशिक्षण केंद्रों में यह सेना द्वारा ही तैयार होते हैं। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि इन संगठनों के कौन कौन से प्रमुख कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं, मगर पाकिस्तान में इसको लेकर हलचल काफी बढ़ गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि कोटलखपत जेल में बंद हाफिज सईद की दूसरी जांच रिपोर्ट आ गई है जिसमें वह फिर से पॉजिटिव पाया गया है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही हाफिज के संक्रमित होने की खबर आई थी जिसके बाद कोटलखपत जेल में ही उसे सेल्फ क्वारंटीन किया गया था। पाक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज का पिछवाड़ा उठने लायक नहीं है, उसकी हालत अभी भी ज्यादा अच्छी नहीं बताई जा रही है। हाफिज के परिवार वालों ने उसे जिन्ना अस्पताल में भर्ती करने की गुहार पाक सरकार से लगाई है, मगर हाफिज अभी तक जेल में क्वारंटीन है। हाफिज के बेटे तला सईद ने एक बड़ा बयान दिया है। उसने कहा है कि पाकिस्तान सरकार ने एफएटीएफ के सामने घुटने टेक दिए हैं। इमरान खान उनके पिता का बैंड बजाने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार की मंशा उन्हें जेल में ही ठोक देने की है ताकि कोरोना वायरस का नाम देकर पूरी साजिश पर पर्दा डाल दिया जाए। गौरतलब है कि हाफिज सईद को 17 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया गया था। अदालत से उसको 11 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। पाकिस्तान सरकार ने हाफिज को कोटलखपत जेल के स्पेशल सेल में रखा है। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना वायरस महामारी की पूरी तरह चपेट में आ चुका है। यहां कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है और देश तीसरी स्टेज में चल रहा है। आज सुबह तक यहां 14,885 मामले सामने आए हैं जबकि 327 तहमतबाज हुरों को देखने के लिए भाग खड़े हुए हैं। पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यह दहशतगर्द तंजी में बन गई है। यह संगठन अभी भी सामूहिक रूप से न केवल नमाज अदा कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे से गले भी मिल रहे हैं। वजीरिस्तान जैसे इलाकों में तो इन्होंने अपनी अलग मस्जिद तक बना ली है जहां नियमित रूप से नमाज अदा की जा रही है। खास बात यह है कि इन इलाकों में कोरोना का संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों के आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से 54 ऐसे केस हैं जिनका संबंध इन तंजीबों से बताया जा रहा है। लखवी सलाउद्दीन जैसे लोग पाक आर्मी के संरक्षण में हैं। इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि उनकी हालत कैसी है, पर इतना जरूर है कि उनके संगठनों के काफी जमूरे कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। कहने वाले तो यही कहते हैं कि पाक आर्मी इसका फायदा भी उठाने जा रही है। जिन जमूरों के संक्रमित होने की उनके पास जानकारी आई है उन्हें भारत में धकेल कर वे अपनी कारस्तानी को अंजाम देने की फिराक में है। वैसे भी पाकिस्तान में उनका इलाज संभव भी नहीं है, इसलिए पाक की मंशा भारत में अधिक से अधिक संक्रमितों को भेजकर यहां के हालात बिगाड़ना है। इसके लिए बाकायदा एक टीम का गठन भी किया गया है। यह टीम ऐसे आतंकियों की पहचान कर रही है जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और संक्रमण की दूसरी स्टेज में दाखिल हो चुके हैं। यकीनन भारत के लिए यह चिंता की बात है, मगर भारत की सेना पहले ही ऐसी आशंका जाहिर कर चुकी है कि पाकिस्तान ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। सेना चौकस है और पाक की किसी चालबाजी का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।